चल चल कर उसको चला रहे हैं, वेट दे रहे हैं, उस तरह से चल रहा है। इसमें कोई मशीन नहीं लगाया गया है, ये देख पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज है 3 तारीख और गरबा घाट का जो मेला लगा हुआ है और रास्ते पर ही हेलो 1 किलोमीटर पहले से ही काफी भीड़ लगी हुई है और हम खड़े हैं बड़ी भीड़ के नीचे। ये देख पा रहे हैं कि ऊपर विश्व सुंदरी पुल है और नीचे जो कि रास्ता ब्लॉक किया गया है, सिर्फ बाहर जाने वालों के लिए रास्ता चालू है और अंदर आने वालों के लिए रास्ता ब्लॉक है। पैदल जा सकते हैं, गाड़ियां नहीं जा सकती हैं और यहां पे पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है। और ये देख सकते हैं कि जो कि गाड़ियां जा रही हैं पुल की तरफ और इधर जो कि सामने चला जाएगा वो मदरवा सामने का रोते हुए। और यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, इसकी पहले वाली वीडियो में आपको दिखाए होंगे कि भीड़ बिल्कुल नहीं होगा और अभी देख सकते हैं किस तरह का भीड़ है। और दोस्तों यहाँ पे दुकानें भी बहुत सारी लगी हुई हैं आम वगैरह की, और ये सब दुकानें हैं जो कि पहले की भी हैं और नई दुकानें भी लगाई गई हैं। और दोस्तों ये देख सकते हैं जो कि मेले की तरफ चला जा रहा रास्ता, वीडियो में बने रहें, आइए आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं किस तरह का मेला लगा हुआ है। और ये देख पा रहे हैं दोस्तों जो कि हम आपको मेले में अंदर लेकर आ चुके हैं और ये देख सकते हैं किस तरह से चलाया जा रहा है, आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये भाई साहब है हाथ से इसे जो कि झूले को चला रहे हैं, कोई मोटर नहीं लगाया गया है। देख सकते हैं इस तरह से भी घुमाकर हैंडल को रख दिया गया है। और मेले को दिखा दिया जाए तो ये देख सकते हैं कि ये सब जो कि बाइक पार्किंग बना दिया गया है, जो कि आपको बोला गया था पहली वीडियो में बताए थे कि ये सब पार्किंग बना दिया जाता है और मेले में लोग जो कि जा रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं। और इधर देख सकते हैं कि और भी जो कि झूला काफ़ी सारा लगाया गया है। और ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कि बच्चों के झूले और जंपिंग झूले लगाए गए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम आश्रम के पास आपको लेकर आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से लोग मेला में आए हुए हैं लोग, और यहाँ पे जो कि सभी कुछ खाने पीने की चीज़ें बेची जा रही हैं। देख सकते हैं परिवार के पकौड़ी जलेबी वगैरह की दुकानें हैं। और ये देख पा रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियां भी यहां पर लगी हुई हैं, आ रही जा रही हैं। और किस तरह से भी देख सकते हैं ये लाल वाली जलेबी जो कि गुड़ की होती है खाना जा रहा है। और यही रास्ता है जिससे कि लोग आ जा रहे हैं, इसी से हम आपको लेकर आए हैं और ये रास्ता चला जाएगा आपका बाहर की तरफ। यहाँ देख सकते हैं सभी चीज़ खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं। और आपको दूसरी तरफ दिखा दिया जाए तो ये देख सकते हैं जो कि गोले और आइसक्रीम की दुकानें हैं। और एक चीज़ और दिखा दें तो जो शादी ब्याह में बर्तन यूज किए जाते हैं ये सब भी बेचे जा रहे हैं। और चावल परोठा और खुरपी जिसे बोला जाता है वो सभी बेचे जा रहे हैं। और यहाँ नान खटाई और भुट्टा सभी कुछ बेचे जा रहे हैं। और आइए आपको अंदर ले चलते हैं, दिखाया जाता है किस तरह का मेला लगाया गया है। और दोस्तों इस मेले में होता क्या है कि आते हैं सभी लोग यहाँ आश्रम में बाबा जी का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद अपने अपने घरों के लिए खाते पीते निकल जाते हैं। और हम आपको ले चल रहे हैं अंदर और यहाँ पे देख सकते हैं द्वार पर ही लेकिन नान खटाइयों की दुकान काफ़ी अच्छी लगाई गई है। और ये दोस्तों ये मेला लगभग रात भर आज रहता है 3 तारीख को, और यहाँ पे आप रात में भी घूमने आ सकते हैं अगर आसपास के हैं तो। देख सकते हैं जो कि फूल पत्ते जा रहे हैं टांगने वाले हरिद्वार है लोग आ जा रहे हैं। और यहाँ पर समाज देख सकते हैं SO की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है।
साधन लगी हुई है जो कि यहाँ महल की तरफ जा रहा है। मेले में बहुत सारी सामानें बेची जा रही है। रास्ते को सही किया जाए और जहाँ जहाँ गोबरों की संभावना हो नगर वासियों से भी निवेदन करता हूँ। और ये देख पा रहे हैं कि अंदर भी सारी चावल दुकानें खुली हुई हैं, चाट गोलगप्पा चाउमीन वगैरह के व्यवस्थित तरीके से बनाए रखने में अपना अहम योगदान प्रदान करेंगे। और खिलौने वगैरह सभी कुछ बेचा जा रहा है। ये देख पा रहे हैं और ये सब दुकानें देख सकते हैं कि बच्चों के खिलौने की दुकानें हैं, चूड़ी वगैरह की और कई सारे दुकानें हैं यहाँ पर, जो कि मेले में हर तरह की दुकानें आपको मिल जाती हैं, आपकी जरूरतें की भी चीज़ें होती है और खाने पीने की भी। और इन भाई साहब का देख सकते हैं कि टायर पंचर हो चुका है और ये देख सकते हैं क्योंकि पुरानी तरह की आधुनिक मशीन जो कि गुदना गुदने की मशीन होती है। और यहाँ देख सकते हैं हमारे बगल में मिकी माउस भी है। बगल में छोटा झूला है, इसे दिखा दिया जाता है आपको। ये देख सकते हैं किस तरह से ये भाई साहब चल चल कर इसको चला रहे हैं, वेट दे रहे हैं, उस तरह से चल रहा है, इसमें कोई मशीन नहीं लगाया गया है। ये देख पा रहे हैं किस तरह से इसको चलते हुए झूले को चलाया जा रहा है। और ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर छोटे झूले कई सारे लगाए गए हैं बच्चों के लिए। और ये जंपिंग झूला है जो कि बच्चे कूद रहे हैं और ये देख सकते हैं लाइट के साथ ये लगाया गया है जो कि मोटर द्वारा संचालित है। देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। पास में बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें देख पा रहे हैं। और ये देख पा रहे हैं दोस्तों जो कि देख सकते हैं जो कि आश्रम आगे है और आश्रम में सभी लोग दर्शन करने के बाद वापस आ रहे हैं। और इधर जो कि छोटे बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। और ये भी देख सकते हैं कि ढेर लोग आए आ रहे हैं। और ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कई लोग जो कि गोदना गोदवाते हुए और नाम वगैरह लिखवाते हुए नजर आ रहे हैं और जो कि ये भाई साहब सीने पर लिखवा रहे हैं तो नहीं दिखा पाएंगे। और इधर आगे देखिए
कि लोग दर्शन करते हुए मेला घूमते हुए आ जा रहे हैं। घोड़ा पार्क और रंग सिंदूर वगैरह बेचते हुए और ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि आश्रम के पास लेकर आ गए हैं आप। भंडारा भवन के बीच में होते हुए देख सकते हैं कि अंधेरे आने वाले आइए आपको ले चलते हैं आश्रम के अंदर। देख सकते हैं किस तरह का यहाँ और सजाया भी बहुत अच्छे तरीके से गया है आपको पास से। महाराज जी हैं उनका दर्शन करके सभी लोग समस्या पर जा रहे हैं और कुछ लोग दर्शन करने जो लोग दर्शन करें आराम पूर्वक माला फूल वगैरह बेचे जा रहे हैं दर्शन करने जो भी जाएंगे उनके लिए और माइक में देख रहे हैं कि किस तरह से आश्रम का प्रचार करते हुए और गुरु जी के बारे में बताते हुए सुनाई दे रहे हैं। और यहाँ पर भी जो कि मेले वाले लोग बेचने वाले मौजूद हैं। अभी आश्रम में देख सकते हैं कि इस तरह से लाइटें जल रही है इसमें और सजाया गया है। और यहाँ जो कि दूर दराज के लोग हैं देख सकते हैं कि यहाँ पर आराम करते हुए नज़र आ जा रहे हैं। उनका आश्रम है और उसी में सभी लोग बैठे हुए हैं सोए हुए हैं लेटे हुए हैं हर तरह के लोग यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और देख पा रहे हैं आगे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और ये मेन द्वार है जिसमें से लोग बाहर आ जा रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।